कर, मैं प्रोफेसर डॉक्टर जी एस शुक्ल निदेशक स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज आपका स्वागत करता हूँ आज मैं जिस विषय पर आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ वह खास करके योग के विद्यार्थियों के लिए है योग के विद्यार्थियों को एक प्रश्न पत्र पढ़ना पड़ता है जिसका शीर्षक है रोग एवं योग रोग एवं योग का मतलब हुआ कि रोग क्या है कितने प्रकार के रोग होते हैं क्यों होते हैं क्या कारण होता है रोग हो जाने का और उसका योगिक उपचार क्या हो सकता है योग के द्वारा उसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है ठीक किया जा सकता है योग का उसमें क्या योगदान है तो इस बारे में ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हम आपको एक संक्षिप्त जनरल इन्फॉर्मेशन आज शेयर करना चाहते हैं पहले तो बात आती है रोग की कि रोग क्या है देखिए जब स्वास्थ्य जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डब्ल्यू ने डिफाइन किया है कि फिजिकल वेलबींग मेंटल वेलबींग स्पिरिचुअल या सोशल वेलबीइंग ये सारी चीज़ें आपकी सामान्य अवस्था में कार्य कर रही हैं तो आप स्वस्थ हैं यानी केवल बीमारी का ना होना ही स्वस्थ नहीं है कोई इंसान बीमार नहीं है लेकिन वो सामाजिक रूप से देखिए तो एंटी सोशल है वो उन कार्यों को कर रहा है जिसको समाज निंदनीय मानता है जो विधि विपरीत है जो संविधान के विपरीत है उन कार्यों में संलिप्त है यद्यप उसे कोई बीमारी नहीं है तो क्या ऐसा व्यक्ति स्वस्थ है नहीं तो स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई बीमारी नहीं इसलिए हम स्वस्थ हैं ऐसा नहीं स्वास्थ्य का मतलब है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों मानसिक रूप से स्वस्थ हों और सामाजिक रूप से भी आध्यात्मिक रूप से भी आप स्वस्थ हों तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है शारीरिक फिजिकल वेलबीइंग फिजिकल फिटनेस तो फिजिकल फिटनेस हमारी शरीर की बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है बहुत आवश्यक आवश्यकता है महत्वपूर्ण तो आवश्यकता है यदि आप शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं स्वस्थ नहीं हैं तो आप अपने कार्यों को समुचित प्रकार से करने में समर्थ नहीं होते आपका उत्साह कम हो जाता है आप केवल शारीरिक प्रॉब्लम्स के ही वजह से बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में हैं उसको आप नहीं कर पाते दुखी हो जाते हैं उदास हो जाते हैं तो ये जो रोग है ये दो प्रकार से अपना प्रभाव डाल रहा है एक प्रभाव तो इसने आपके शरीर पर डाला कि आपके शरीर को बीमार कर दिया दूसरा प्रभाव इसने आपके मन पर भी डाल दिया यद्यपि मन बीमार नहीं है लेकिन शरीर के बीमार होने की खबर को सुनकर वह बीमार है वो भी बीमार हो गया तो हम इसको दो पार्ट में बांट के चल रहे हैं रोग को पहला साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर आप देखिए नंबर एक पे हमने लिखा है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर अब आप देखें यहां पे दो वर्ड हैं साइको और सोमा साइक का मतलब होता है कि हमारा मन और सोमा का मतलब होता है हमारा शरीर तो ऐसी व्याधियां जिनका ओरिजिन पैदाइश मस्तिष्क में होती है मन में होती है लेकिन उनका प्रभाव शरीर पर पड़ता है वो बीमारियां साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के नाम से जानी जाती हैं। शरीर में कोई रोग नहीं है हम आपको एक उदाहरण देते हैं उससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी आप अचानक कहीं जा रहे हैं और आपका कोई बहुत ख़ास परिचित दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है आपको खबर आती है कि वो दुर्घटना हो गई और अब इस दुनिया में नहीं रहे आप इस खबर को सुनते ही उदास हो गए दुखी हो गए अब उसके वजह से ब्रेन ने एक रेस्पॉन्स दिया रेस्पॉन्स देने से ब्रेन ने कुछ केमिकल्स रिलीज किए हमारा जो ये मानसिक अवस्था है ये जो चित्त की स्थिति है ये पूर्णतः मस्तिष्क के केमिकल्स पे डिपेंड करती है हमारा जो मस्तिष्क है वो कुछ रसायन को रिलीज़ करता है और उसी के ऊपर हमारी मना स्थिति डिपेंड होती है कि हम खुश हैं या दुखी हैं या बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक खुश हो गए हैं बहुत ज़्यादा उदासी में चले गए हैं जो भी मानसिक स्थितियां हैं उन केमिकल्स पे डिपेंड करती हैं और उन केमिकल्स का नाम होता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स विभिन्न प्रकार के होते हैं और हर एक न्यूरो का अलग अलग कार्य है हम उसके बारे में जब आपसे नर्वस सिस्टम पे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से बताएंगे तो ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया और उसके वजह से उसने तमाम शरीर की क्रियाओं को अपसेट कर दिया आप उदास हो गए आपकी भूख खत्म हो गई प्यास खत्म हो गई शरीर की पाचन क्रिया मंद हो गई और यदि यह अवस्था थोड़े समय के लिए है क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में तमाम नित्य प्रति की घटनाओं का प्रभाव पड़ता है कभी अच्छे समाचार मिलते हैं कभी दुखद समाचार आते हैं तो स्वाभाविक है हम लोग उससे प्रभावित होते हैं लेकिन जब ये स्थिति लगातार बढ़ती चली जाती है एसोसिएशन हो जाता है उससे हमारी संबद्धता हो जाती है उस अवस्था से और लंबे अवधि तक चल रहा है तो यह अवसाद की अवस्था का निर्माण करता है डिप्रेशन जिसको कहते हैं और जिसके वजह से शरीर की विभिन्न क्रियाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं उसकी वजह से आपको तमाम तरह की दिक्कत महसूस होती है नींद नहीं आ रही है पेट नहीं साफ हो रहा है हाथ पैरों में दर्द बना हुआ है घबराहट हो रही है बेचैनी हो रही है यद्यपि आपके शरीर में कोई रोग नहीं है किसी प्रकार का रोग शरीर में नहीं है तथापि केवल मानसिक स्थिति के बिगड़ जाने से उद्विग्न हो जाने से आपके शरीर में यह विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो गए कोष्ठबद्धता हो गई आज के समाज में आप देखिए बहुत सारे लोगों को कब्ज की शिकायत है तमाम प्रकार के चूर्ण आप देखिए टेलीविजन पे उनके एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं और लोग खरीद के उसको खा रहे हैं जबकि प्रॉब्लम उनके पेट में नहीं है ज्यादातर लोगों की समस्या मानसिक है किंतु इलाज वो कर रहे हैं अपने पेट का हमारा जो ब्रेन है मस्तिष्क है वो पूरे शरीर की हर एक क्रिया को नियंत्रित करता है हमारे पाचन तंत्र की क्रिया हो चाहे चाहे उत्सर्जन तंत्र की क्रिया हो कोई भी क्रिया है उसका नियंत्रण मस्तिष्क कर रहा है तो यदि मस्तिष्क को एक अच्छा स्वस्थ वातावरण नहीं मिल रहा है तो किस प्रकार से आपको स्वस्थ रख सकता है दवाइयाँ उसका हल नहीं है उसका हल तो ये है कि जो कारण है उसका निवारण हो जो मानसिक दुख है उसको हम कैसे दूर करें उस चीज़ से हम कैसे छुटकारा पाए यानी हम पॉजिटिव हेल्थ कैसे पाए निगेटिव हेल्थ को किस तरह से दूर करें निगेटिविटी को ख़त्म करें नकारात्मकता को ख़त्म करें और पॉजिटिविटी ले आए अपने शरीर में और यदि ऐसा कर पाते हैं तो औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है तो यह करने में योग एक रामबाण है एक चमत्कार है योग चमत्कारिक विद्या है खास करके वो चाहे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो या सोमेटोसाइकिक डिसऑर्डर हो यदि आप योग्य योग, योग प्रशिक्षक के निर्देशन में आप अपना इलाज कराएं, आप योग का अभ्यास कराएं आप योग अभ्यास सीखें करें उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं तो ये विभिन्न प्रकार की जो व्याधियाँ हैं इस तरह की वो एकदम खत्म हो जाती हैं आप एकदम ट्रेमेंडस चेंज फील करते हैं दूसरी बीमारी आती है सोमैटोसाइकिक डिसऑर्डर उल्टा हो गया यहाँ सोमा पहले आ गया साइकिक बाद में चला गया सोमा मतलब हमने आपसे पहले ही बताया हमारी बॉडी और साइक माने मन चित्त कोई बीमारी एक उदाहरण दे रहा हूं आप ऑफिस में बैठे हैं या आप कोई कार्य कर रहे हैं आप खूब स्वस्थ हैं खेल रहे हैं अचानक आपको सर में दर्द हुआ और उल्टी हो गई या अचानक आपके पेट में दर्द हुआ उल्टी हो गई थोड़ी देर बाद फिर पेट में दर्द होने लगा अब वो बंद ही नहीं हो रहा है आपको लोग डॉक्टर के पास ले गए डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया ये कुछ जांच किया और बताया कि आपको गाल ब्लैडर में स्टोन है यानी पित्ताशय में पथरी है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा कुछ दवाइयाँ दी गई दर्दनाशक आपका दर्द कम हो गया आप बिस्तर पे हैं अब देखिए प्रॉब्लम आपके पित्ताशय में है लेकिन यह पित्ताशय का जो कष्ट है इसकी जानकारी आपके मस्तिष्क को है अब मस्तिष्क उस पर रेस्पॉन्स कर रहा है आप खूब एक घंटे पहले खूब प्रसन्न चित्त थे लेकिन अब क्या आप उतने प्रसन्न चित्त हैं नहीं जबकि मन में कोई बीमारी नहीं है बीमारी तो पेट में है लेकिन उसका प्रभाव आपके मन पे गया आप उदास हो गए आप चिंतित हो गए तो यह जो प्रक्रिया आई कि शरीर की उत्पत्ति रोग हुआ शरीर के अंदर शरीर के किसी अंग में रोग हुआ किंतु उसका प्रभाव मन पर गया तो इस प्रकार की व्याधियों को हम साइकिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब आइए रोग पे बात करते हैं बीमारियाँ कई प्रकार की होती हैं पहली बीमारी होती है एक्यूट डिजीज यानी अचानक कोई बीमारी बहुत तीव्र रूप धारण कर लेती है अचानक एकदम आप ठीक ठाक थे एक दिन पहले हल्का बुखार आया और आज आपके पूरे शरीर में सूजन आ गई है बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा है उल्टियाँ हो रही हैं सांस फूल रही है सांस लेने में दिक्कत हो रही है पेशाब होना कम हो गया है आप भर्ती हो गए एक दिन पहले बिल्कुल ठीक थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अचानक आ गई एक दस दिन पंद्रह दिन रही आपने इलाज कराया जांच हुई पड़ताल हुई इलाज हुआ ठीक हो गई बीमारी आप पूर्णतः स्वस्थ हो गए तो ऐसी बीमारियां जो अचानक आती हैं एक निश्चित अवधि तक चलती है और फिर ठीक हो जाती है उनको हम एक्यूट डिजीज कहते हैं यानी तीव्र बीमारी हुई लेकिन ठीक हो गई अब दूसरी कैटेगरी आती है क्रॉनिक डिजीज यानी पुरानी बीमारी जीर्ण बीमारी क्रॉनिक डिजीज क्या है ऐसी बीमारी जो लंबे अरसे से चली आ रही है आपको पिछले पाँच महीने से हल्की हल्की सांस फूल रही है खांसी आ रही है चल रहे हैं आप सब काम उम कर रहे हैं बीच बीच में खांसी आ रही सांस फूलने लगती फिर बैठ जाते हैं फिर दवा ले लेते हैं तो इस तरह से पाँच महीने छः महीने से चल रही है आपके कमर में दर्द है पिछले डेढ़ साल से आप चल रहे हैं अब वो कमर का दर्द पैरों में आने लगा है फिर भी आप कुछ दवा खा करके चल रहे हैं धीरे धीरे वो कमर का दर्द वृहद रूप ले रहा तीव्र रूप ले रहा ज़्यादा दिक्कत कर रहा है डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये जो लंबे अवधि से बीमारियाँ आती हैं उनको हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं पूर्णता ठीक भी हो सकती हैं या कुछ लक्षण को छोड़ करके जा सकती हैं ठीक तो हो गई रीढ़ की हड्डी की जो प्रॉब्लम थी ठीक हो गई लेकिन कुछ प्रॉब्लम वो छोड़ के गई कुछ उसको सिक्वेली कहते हैं कि उसने अपने सिक्वेली छोड़ दिया तो ऐसी बीमारियों को हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं तो एक्यूट डिजीज क्रॉनिक डिजीज़ क्रॉनिक में और फिर आगे बाइफर्केशन होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे तो ये दो मुख्य बीमारियाँ आप समझें एक्यूट और क्रॉनिक अब हम जो बात करेंगे जो योग के छात्रों के लिए उपयोगी है उसके विषय के अनुसार हम बात करेंगे हम शरीर के विभिन्न अंग तंत्रों की बात करेंगे आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ग्यारह मुख्य अंग तंत्र हैं ऑर्गन सिस्टम हैं जिनका भिन्न भिन्न कार्य है और भिन्न भिन्न कार्यों के हिसाब से उनकी व्याधियाँ भी हैं तो उन व्याधियों को हम योग विधा के द्वारा किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं किस प्रकार से योग विद्या उसमें सहायक हो सकती है आपके शरीर को पुनः सामान्य बनाने में हम उसके बारे में हर एक बीमारी की बात करेंगे उसके लक्षणों की बात करेंगे उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में आपसे विस्तार पर चर्चा करेंगे और फिर योग का उसमें क्या योगदान हो सकता है इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे हर एक आर्गन सिस्टम के अनुसार हम बात करेंगे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ जैसे मैं आपसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जब पढ़ाऊँगा यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं जिसमें हमारा हृदय और उससे संबंधित जो रक्त नलिकाएँ हैं उनकी चर्चा करेंगे तो हम उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हृदय क्या है हृदय के क्या क्या रोग हैं कैसे हमको पता चले कि हमको हृदय रोग हो गया है क्या क्या सामान्य चर्चा है जिसके बारे में लोगों को पता हो कि वो लक्षण यदि आए तो उसको पता हो जाए कि ये लक्षण इस बीमारी का हो सकता है तो हम इस बारे में आपसे उसके बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद